हेलो गाइज, वेलकम बैक। वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए और इस प्रकार का नया नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। हाय गाइस, गुड इवनिंग दोस्तों। आप स्टॉक के बारे में तो आप सबको पता ही होगा, क्योंकि ये जो आप स्टॉक है इसमें बहुत सारा हम लोगों का ऐसा फीचर्स मिल जाता है जिसको हम लोग जिंदाबाद कहते हैं। और ये आप स्टॉक जो कि है एक डीमैट अकाउंट का नाम पर जाना जाता है, क्योंकि हम लोग इस आप स्टॉक के माध्यम से बहुत सारा शेयर को बाय सेल कर सकते हैं। यानी हम लोग यहाँ से बहुत सारा फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब फाइनेंशियल एक प्रॉफिट को हैंडल कर सकते हैं इस आप स्टॉक से। बेसिकली ये जो आप स्टॉक है ये एक डीमैट खाता है, मतलब इस अकाउंट के माध्यम से आप लोग जब चाहे जैसे चाहे किसी भी कंपनी के शेयर को बाय या फिर सेल कर सकते हैं और अपना फाइनेंशियल जो पार्ट है उसको सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों क्या हो अगर आप लोग अपना खुद का आप स्टॉक का यूज़र आईडी भूल गए हो, तो आपने अगर आपका यूज़र आईडी को भूल गए हो तो उसको कैसे रिकवर करना है, जानने के लिए गाइस आप लोग इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देख लीजिए। और दोस्तों इस वीडियो पर मैं और एक टॉपिक को कवर कर दूंगा, अगर आप लोगों ने अपना पासवर्ड को भूल गए तब भी आप लोग कैसे नया पासवर्ड बनाएंगे उसका भी चीज़ें मिल जाएगा। गाइस अगर आप लोग आप स्टॉक का यूज़ करते हो तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और अगर आप लोगों ने आप स्टॉक का यूज़र आईडी या फिर पासवर्ड दोनों में से किसी भी एक चीज़ को भूल गए हो तो भाई इस वीडियो को आप लोग स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देख लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण राज और आप लोग देख रहे हैं माय मॉनिटर। सो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज का नया और कुछ खास एपिसोड। सो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग आप स्टॉक ऐप को ओपन कर लेते हैं और ओपनिंग करने का इंटरफेस कुछ इस प्रकार से आता है, आप सबको पता ही है। लेकिन हम लोगों को हमारा जो यूज़र आईडी है वो याद नहीं है, लेकिन हम लोगों को लॉगिन करना पड़ेगा, बट आईडी हम लोगों को याद नहीं है। तो चलिए हम लोग को लॉगिन पर क्लिक करते हैं और आगे का स्टेप पर यूज़र आईडी एंड पासवर्ड देख के आप लोग लॉगिन कर सकते हो। लेकिन भैया हम लोगों को तो यूज़र आईडी पता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, फॉरगेट यूज़र आईडी ये जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लोग हमारा जो यूज़र आईडी है उनको किस किस मेथड से रिकवरी कर सकते हैं उसका पूरा लिस्ट आ गया। हम लोग तीन मेथड को अपनाते हुए हमारा आईडी को रिकवरी कर सकते हैं, फ़ोन नंबर के भैया, ईमेल के भैया और पैन कार्ड के भैया। तो मैं आप लोगों को एक एक करके तीनों चीज़ें दिखा दूंगा ताकि आप लोगों को समझने में इजी हो जाए। चलिए हम लोग सबसे पहले फ़ोन नंबर पर क्लिक करते हैं। अभी दोस्तों आपने आपस्टॉक के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक किए हैं उसी मोबाइल नंबर को आप लोग यहां पर सही ढंग से एंटर करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। और दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक आपस्टॉक पर अपने अकाउंट को ओपन नहीं किए हो, यानी आपस्टॉक के साथ अभी तक आप लोगों ने जुड़े नहीं हो, तो आप लोग जुड़ सकते हो। इसका लिंक मैंने इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर लेकर रखा हूँ, उस लिंक पर क्लिक कीजिए और बस सिंपल सा कुछ स्टेप है यार, ईजिली ज्वाइन कर आपस्टॉक के साथ। सो यहाँ पर बताया गया है कि भाई आपने जो मोबाइल नंबर दिए हैं वो हमारा मैच हो जाता है रिकॉर्ड पर, तो हम लोग आपको ईमेल के भैया और एसएमएस के भैया आपका जो आईडी नंबर है वो भेज दे रहे हैं। सो यहाँ पर हम लोगों को एसएमएस के माध्यम से मिल गया है और अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ईमेल से किस प्रकार से मिलता है। यहाँ पर मैं हमारा जो जीमेल ऐप है उसको ओपन कर लिया, क्योंकि ये मैं आपस्टॉक का जो खाता है जीमेल से ही बनाया था। यहाँ पर देख लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेता हूँ और देखता हूँ हम लोगों को हमारे जो आईडी है ईमेल के भैया मिला है या फिर नहीं। तो यहाँ पर देख लीजिए आपस्टॉक का जो यूज़र आईडी है हम लोगों को ईमेल के माध्यम से भी मिल चुका है और यहाँ पर हम लोगों को मिल गया आईडी, काफ़ी सिंपल है। और एक जो चीज़ें हैं मैं आप लोगों को भी करके दिखाता हूँ, फॉरगेट यूज़र आईडी इसके ऊपर क्लिक करते हैं और ईमेल के माध्यम से भी भेजना काफ़ी ईजी है। आप लोग बस अपना रजिस्टर ईमेल आईडी को वहाँ पर डालेंगे और ईमेल में और जो आपका मोबाइल नंबर है दोनों जगह पर अपना आईडी मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर हमारा ईमेल को ही एक बार डाल के आप लोगों को दिखा देते हैं। ईमेल डालेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और बस इतना ही प्रोसेस है। अगर आपका रजिस्टर ईमेल आपस्टॉक का रिकॉर्ड पर मैच हो जाता है तो एसएमएस के भैया और ईमेल के भैया दोनों स्थिति पर ही अपना आपस्टॉक का आईडी मिल जाएगा, सेम उसी प्रकार से। इसका कैसे मिलता है आप सबको पता ही है। और एक जो ऑप्शन यहाँ पर बचा हुआ है पैन कार्ड के नंबर से, कभी कभार ऐसा होता है ना कि हम लोगों को याद नहीं रहता है कि भाई हमने कौन सा ईमेल से रजिस्टर किए थे या फिर कौन सा नंबर से रजिस्ट्रेशन किए थे। लेकिन भाई एक चीज़ है, एक लोगों का एक ही पैन कार्ड बनते हैं, तो इस प्रकार से भी आप लोग अपना आईडी को रिकवरी कर सकते हो। सो यहाँ पर हमारा जो पैन कार्ड का नंबर है, पैन कार्ड का नंबर एंटर कर देते हैं। अगर आप लोग भी भूल गए हो तो आप लोग भी यहाँ पर अपना पैन कार्ड का नंबर जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि एक चीज़ तो काफ़ी क्लियर है, एक इंडिविजुअल का नाम पर एक ही पैन कार्ड को इशू किया जाता है। और अगर आपने आपस्टॉक पर अपना खाता को बनाया है तो ईजिली आप लोगों को मिल जाएगा। सो गाइस सेम इस प्रकार से आप लोग अपना पैन कार्ड का नंबर डालेंगे और मिल जाएगा
SMS के माध्यम से और ईमेल के माध्यम से। सो ये तो गया यूज़र आईडी रिकवर करने का प्रोसेस। अभी पासवर्ड को कैसे रिकवर करेंगे। पासवर्ड को रिकवर करना भी काफ़ी सिंपल है। नीचे एक ऑप्शन है फॉरगेट पासवर्ड। सो यहाँ से हम लोग जो कि है पासवर्ड को रिकवर ही कर सकते हैं। बट दोस्तों उससे पहले यहाँ पर मैं एक थोड़ा सा एक टाइम ले लेता हूँ। मुझे जो कुछ मैसेज वगैरह मिला है आप स्टॉक की तरफ से मेरा आईडी के अकॉर्डिंग, उस मैसेज को जो कि मैं सबसे पहले डिलीट कर देता हूँ, उसके बाद तो वीडियो पर बैक आता हूँ। और गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक आप स्टॉक पर अपना खाता को नहीं बनाया है तो यहाँ पर मैं फिर से रिमाइंड कर दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, आप लोग चाहे तो अपना खाता को बना सकते हो। आप स्टॉक पर काफ़ी शानदार है यार, काफ़ी मस्त है। एक तरफ से बोलूँ तो आप स्टॉक एक बेस्ट ऑप्शन है। तो आप लोग चाहे तो आप स्टॉक पर अपना खाता को खोल सकते हैं। चलिए हम लोगों को जो कि है हमारा पासवर्ड याद नहीं है, तो पासवर्ड कैसे रिकवर करेंगे आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और देखता हूँ क्या क्या प्रोसेस से हम लोग हमारा जो पासवर्ड है उसको रिकवरी कर सकते हैं। इस जगह पर आप लोगों को जो कि यूज़र आईडी देना पड़ेगा। मतलब अगर भाई आप लोगों ने अपना पासवर्ड को भूल गए हो तो सबसे पहले यूज़र आईडी को रिकवर करना जरूरी है। इसलिए मैंने आप लोगों को सबसे पहले बताया कि यूज़र आईडी को कैसे रिकवरी किया जाता है। सो हम लोगों ने तो यूज़र आईडी को रिकवरी कर लिया हूँ। चलिए अभी हम लोग फटक से जाएंगे हमारा जीमेल पर और वहाँ पर हमारा यूज़र आईडी मिल जाएगा। सेम उसी यूज़र आईडी को हम लोग कॉपी करेंगे और जहाँ पर पेस्ट करना है यानी फिर से हम लोग आप स्टॉक का ऐप पर वापस आएंगे और वहाँ पर आईडी को पेस्ट करेंगे। तो ये रहा गाइज हमारा आईडी। सिक्योरिटी रीजन से मैं इसको ब्लर करके रखा हूँ क्योंकि भाई अगर आप लोगों को पता चल जाएगा तो आप लोग शायद हैकिंग वगैरह कुछ कर देंगे। खैर वो कुछ अलग बात है। हम लोग यहाँ पर हमारा आईडी को पेस्ट किए और इस जगह पर ईयर ऑफ बर्थ यानी आपने कौन सा साल पर पैदा हुए थे उस साल आप लोग यहां पर टाइपिंग करना है। उसके बाद वेरीफाई ओटीपी एंड नेक्स्ट, ये जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। बस सिंपल सा चीज़ है। अभी हम लोग इसके ऊपर क्लिक किए और देखता हूं आगे का प्रोसेस पर क्या कुछ आता है, कुछ इस बार लोडिंग होता है भैया। और लोडिंग होते होते मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करके रखिए। और वीडियो को अगर आप लोग इतना तक देख रहे हो यानी वीडियो को काफ़ी पसंद किए हो तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और जिसके साथ जैसे भी हो आप लोग शेयर कर दीजिए क्योंकि मुझे इस वीडियो पर काफ़ी ज़्यादा शेयर चाहिए और काफ़ी ज़्यादा आप लोगों का प्यार चाहिए। सो इस जगह पर क्या होगा, आपने आपका डेट ऑफ बर्थ एंटर कर दिए, मतलब डेट ऑफ बर्थ नहीं अपने ईयर ऑफ बर्थ एंटर किए। अभी आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है ना उसी रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ जाएगा। जैसे कि हमारे स्थिति पर ओटीपी आ चुका है तो हम लोग यहां पर ओटीपी को एंटर करेंगे, ऑटोमेटिकली ये वेरिफिकेशन हो जाएगा और इसी जगह पर आप लोगों को फिर से एक पासवर्ड बनाने का मौका मिलेगा। तो इसी जगह पर आप लोग जो कि है अपना मन मुताबिक पासवर्ड को बना लेंगे। ध्यान रहे आपका जो पासवर्ड है वो मिक्स पासवर्ड होना चाहिए यानी उस पासवर्ड के अंदर अल्फ़ाबेट न्यूमेरिक और सिम्बॉल ये चीज़ें होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप लोग जो कि पासवर्ड को बना लेंगे। उसके बाद रिसेट पासवर्ड ये जो ऑप्शन नीचे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, बस आपने नया पासवर्ड को बना लिया। पुराना पासवर्ड याद रहे या फिर ना रहे इससे आपका क्या लेना देना है। और जब आप लोग अपना यूज़र आईडी एंड पासवर्ड दोनों को ही फाइंड कर लिए हो तो इस जगह पर सिंपल से आप लोग जो कि अपना यूज़र आईडी को लगाएंगे और उसके नीचे पासवर्ड को लगाएंगे और साइन इन पर क्लिक करेंगे, आपका अपस्टॉक का जो अकाउंट है काफ़ी आसानी से ओपन हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेकर ओपनिंग करके भी आप लोगों को दिखा देता हूँ ताकि आप सबको पता चले कि यह वीडियो थोड़ा यूनिक है। और गाइज मैं यहाँ पर और एक चीज़ रिमाइंड कर देता हूँ, अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो को अगर पसंद आई है तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाइए। सो गाइज हम लोगों ने हमारा यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पर एंटर कर दिया क्योंकि हम लोगों को दोनों चीज़ें मिल चुका हैं। अभी इस जगह पर अपना ईयर ऑफ बर्थ यानी आप कौन सा साल पर पैदा हुए थे वो साल डालना है और हम लोगों ने यहाँ पर हमारा पैदा हुआ साल जो किया डाल दिया और अपस्टॉक का जो सिस्टम है वो ओपन हो चुका है। और यहाँ से जो अपस्टॉक का काम होता है ना, मतलब स्टॉक को बाय सेल करना, शेयर को बाय सेल करना, बहुत सारा चीज़ें होता है, बहुत सारा कंपनी का अलग अलग ये मेथड है। अगर आप लोग ट्रेडिंग वगैरह करते हो या फिर अपस्टॉक को चलाते हो तो आप सबको पता ही होगा। सो आईडी को कैसे रिकवर किया जाता है, पासवर्ड को कैसे रिकवर किया जाता है, कंप्लीट जानकारी आप सबके साथ मैं शेयर कर दिया हूँ। सो दोस्तों हम आशा करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद कैसे आप लोग अपना अपस्टॉक का जो यूज़र आईडी है उसको कैसे रिकवर करेंगे और उसका जो पासवर्ड है उनको भी कैसे रिकवर करेंगे, इसके बारे में मेरे तरफ से जितना जानकारी हो सके आप सबके साथ शेयर कर दिया हूँ। फिर भी दोस्तों कुछ डाउट या फिर कुछ जानकारी आप लोगों के अंदर अधूरा रह जाता है तो आप लोग मुझे इस वीडियो के नीचे प्लीज़ यार कॉमेंट करके बता दीजिएगा। और हाँ दोस्तों आप लोगों में से बहुत सारा लोग मुझे पसंद भी करते हो, वीडियोज़ को भी देखते हो लेकिन लाइक करना भूल जाते हो और चैनल को तो बहुत लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आप लोगों ने वीडियो को इतना तक देख लिए
एक लाइक करके जरूर जाइए। और चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ यार चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए और साथ साथ जो बेल आइकन है उसको भी ऑन करके रखिए। सो कैसे वॉच फिलहाल हमें इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी मिलेंगे इस पर का नया शानदार और कमाल एपिसोड के साथ। आज के लिए गाइज बाय बाय।